आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए आज सुने श्रृंखला जाफर खानी बाज की दूसरी कड़ी। प्रस्तुत करता है सुप्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान। इनके साथ तबले पर संगत की है गुलाम जिलानी ने। सैनियों के बाज के बारे में मैं बतलाना चाह रहा था कि जो हमने बुजुर्गों से सुना है कि उनका बाज कैसा था, क्योंकि 18वीं सदी के पहले जिसने सुना होगा वो तो लोग अब नहीं रहे, मगर जो बुजुर्गों के परंपरा जो थी कि उनके औलाद उनके शागिर्द, उसी तरह से बुजुर्गों ने जो कहा है कि सैन्य घराने की गतें जो होती थीं वो काफ़ी लंबी होती थीं, और दिर दादरी दारा दा दारा इसको वो भरते चले जाते थे, यानी 16, फिर 32, फिर 64, फिर जब उनके दिल में आता था वो संपर आ जाते थे। उसका मैं एक नमूना आपके सामने पेश करूंगा जैसा कि मैंने बुजुर्गों से सीखा है। अब दिर दादरी दारा दा दारा। यानी उसी दरदादरी धारा को वो भरते चले जाते थे। अब आजकल क्या है कि उसको हमने 16 बना दिए हैं, वो इस तरह से। दादारा खत्म हो गया, ये दो दफा रिपीट हो गया। अस्थाई खत्म हो गई। वो क्या करते थे, इसी दर दादर दारा को बढ़ते चले जाते थे। तो ये मस्जिद खानी बाज जो बाद में आया उसमें उन्होंने 16 मात्रों को रिपीट करने लगे वो, और पहले जो था 32 64, उससे भी जब तक उनकी तबीयत चाहे वो स्वर को बनाते चले जाते थे और राग को बनाते चले जाते थे, उसी में अंतरा भी कहते थे। जैसे उनकी गतें लंबी होती थी, इसका मतलब यही है कि वो दिर दादरी दारा दा दारा इन्हीं बोलों पे सरों को तकसीम करते रहते थे, इन्हीं बोलों के ऊपर दिर दादरी दारा दा दारा पे।
आजकल जो प्रथा चली है वो 16 मात्रा में खत्म कर देते हैं, उसके बाद में जो बजाते हैं उसको गद भरण कहते हैं। जैसे गद भरण और पहले तबले वाले को बिल्कुल बजाने नहीं दिया करते थे, यानी मतलब ये कि जो बीच में जो अपने थ्रिकेट थ्रिकेट या धीरे धीरे लगाते हैं वो कुछ नहीं, सिर्फ ठेका देते रहो। ये पहले था। इस जमाने में सितार के साथ जो तबले के भी पहुंच हो रही है, जो तबला भी संगत करते हैं या तबले को जो मौका दिया जाता है बजाने के लिए, ये हम लोगों ने शुरू किया है। हमारे दादा रविशंकर जी, मैं और जो लय से खेलते थे लोग, उन्होंने तबले को भी मौका दिया है। अब एक आपको तबले का अंग भी सुनाया जाता है। ये जो है तबले को भी सारा मौका दिया जाता है, पहले बिल्कुल नहीं होता था। गाने वाले भी नहीं और बजाने वाले भी, उनको सिर्फ कहते थे कि भाई ठेका लगाओ, ताकि उनकी जो उपज है, जो क्रिएशन है, वो सुनने में आए। तो सैनियों का बाज आपने समझ लिया होगा कि वो लंबी गतें होती हैं, और दुरुद गत में जो रजाखानी बाज है, इसमें हर एक के बोल अलग हैं। जिस तरह से कि मैंने एक दुरुद गत पटदीप में बनाई है, वो देखिए। अब ये जो है, मैंने कहा था दारदा 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 दारा दा दारदा दारदा दारदा, यानी दारदा और धीरधीर और धीरधारा फंसाने से वो दुरदगत बन जाती है। इसी तरह से और जो बंदिशें हैं, जैसे एक प्रथा चली थी जिसमें के उस जमाने में ये बोल बहुत दिन तक चले थे, यानी हर एक राग में यही बोल आएंगे, दारा दादर दारा दार दा दा, अब दारा दादर दारा दार दा दार दारा 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 दादर दारा दार दा दा, वही बोल इसमें आ गए। फिर यही बोल मतलब कहने का यह है कि किसी जमाने में ये हमारे विलायत खान साहब के दादा इमदाद खान साहब, उनकी कुछ नमूने मिलते हैं, तो उन्होंने हर एक दुरुद गत में यही बोल बजाए हैं। उसके बाद फिर जब और नई नई पीढ़ी आती गई, तो वो अपने बोल बदलते गए और अपने कंपोजिशंस को भी बदलते चले गए, और जिसके जो दिल में आया, मगर लय के अंदर।
तो हर एक की उपज अंग जो है जिस तरह के पांचों उंगली एक जैसी नहीं है, उसी तरह से हर कलाकार का अपना अपना एक रवैया, अपना अपना ख्याल है, तो इस तरकीब से बजाते थे। अब मसीद खानी और रजा खानी, ये दो बाज चल रहे थे। मैंने इसमें जाफर खानी बाज, यानी जाफर खानी बानी, वो क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि कोई भी बंदिश जो भी होती है सितार की, वो 16 मात्रा में ही होती है। अब 16 मात्रे को हर एक शख्स अपने हिसाब से भरता है, जिस तरह से कोई कूद कर जाता है, कोई धीरे धीरे जाता है, कोई लहराता हुआ जाता है, कोई मटकता हुआ जाता है, मगर होते हैं वो 16 ही मात्रे। मगर 16 मात्रे में भी ऐसी बात है कि जिस तरह कौवे और कोयल का रंग एक ही होता है, दूर से वो एक ही दिखते हैं, मगर जब बोलते हैं तो पता चलता है। तो जिसको मसीद खानी बाज 16 मात्रे जानते हैं, वो जाफर खानी बाज की सूक्ष्मता से, जो कि उस पर बारीकी है, जो मैं बजा के समझाऊंगा कि उसमें कैसे फर्क होता है। तो मेरी दुरुद की गति भी और विलंबित गति भी, जिसका नाम जाफर खानी बाज रखा है, उसकी विशेषता जो है उससे मैं परिचित करवाऊंगा। तो इस वक्त मैं पहले मसीद खानी सीधी बजा के दिखाता हूँ और फिर जाफर खानी बजा के दिखाता हूँ। ये धीरे दा हुआ, तो धीरे दा, अब इसमें उछट फंसाई, धीरे, तो एक मात्रे के 12 टुकड़े, कभी 8 टुकड़े, कभी 16 टुकड़े सुरों के हिसाब से, के राग की जो मिठास है और जो अच्छी शक्ल है वो ना बिगड़ने पाए। अब इसी को 16 मात्र में सुनिए जाफर खानी बाज कैसे बजता है। इतने फ्रैक्शन आ जाते हैं इस मात्रे में, और अगर इसको सीधा बजाइएगा तो मसीद खानी हो जाएगा। वही देर दा देर दाड़ा दा दारा, उसी को, ये एक ही मात्रा में निकलेगा, देर दा देर दा, रा एक मात्रा है, ये भी एक ही मात्रा में आता है। देखिए इसकी खूबसूरती, इसी तरह से और भी जो गतें हैं जाफर खानी बाज की, वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। आज का प्रोग्राम यही समाप्त होता है। जाफर खानी बाज, अभी आपने इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे सुप्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान, इनके साथ तबले पर संगत की गुलाम जिलानी ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।